केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रेस मीडिया के भाइयों, जो सारी परिस्थितियां हैं उसकी जो चर्चा आपसे रूप चुके होंगे, माननीय सांसद श्री मनोज झा जी आप अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों से माफी, क्योंकि 11 बजे का समय तय था लेकिन हमारी एक आंतरिक मीटिंग हो रही थी, उसकी वजह से हम आपके समक्ष आपके पास विलम्ब से आए। आप पर बहुत दबाव है, मैं जानता हूँ, पूरा चुनाव कवर करने में बीते इतने दिनों से, तो माफी के साथ मैं ये शुरुआत करूँ। दो चार मोटी मोटी बातें मैं कहता हूँ, उसके बाद आप लोग के जो भी प्रश्न होंगे वो लिए जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पटना, दिल्ली या रांची में सवाल लेने से नहीं भागता, हम उनमें से नहीं जो एक तरफा अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे शांति की अपील एक बार पुनः करता हूँ और ये कहता हूँ कि बीते कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ, कल भी आप लोगों के माध्यम से कहा था कि पीड़ा हो गई, थोड़ा अप्रीति कर लगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव बैठे थे नहीं, वो यही कई बार बोल चुका है कि दे दीजिए, उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके हम लोग देते ही नहीं। 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी, भोला बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का, हमने विड्रॉ कर लिया सिर्फ इसलिए। उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा गोल है बीजेपी को और उस गोल में कामयाब हुए। ठीक है, मैं करता हूँ प्रश्न। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े 5 पे रन का ब्रेक क्लोज 1800 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे, हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी, कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डुल रहे हैं, कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम, आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों का कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते, कल जो इस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी इंडिया गठबंधन के बनने में भी माती भूमिका है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, हमारी आंख पिचौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। ये है राष्ट्रीय जनता दल की थाती। आज भी जो बिहार के लोग, क्योंकि झारखंड और बिहार का एक नैसर्गिक रिश्ता अलग हुआ, लेकिन जो बिहार के लोग पारंपरिक रूप से यहाँ रह रहे थे, आज भी उनके लिए विकल्प राष्ट्रीय जनता दल, एक बड़ी बहुजन आबादी जिसको अपना स्वर चाहिए, उसी स्वर का प्रकटीकरण था। हम आपको जब नेता प्रतिपक्ष हो तब हम लोग गए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, हेमंत जी स्वयं थे, सारी बात इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिलकर लड़ना है और बीजेपी की जो तमाम कोशिश है ईडी सीबीआई आईटी इलेक्शन रिगिंग के माध्यम से उसको विराम देना, लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि 7 छोड़ा जा रहा है, शाम तक दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रभारी है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की,
अब वो बातचीत तीन चार सीट पे आई, तीन चार सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारी हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्योरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, इसमें छोटा उदाहरण दूंगा, 14 में हम एक भी सीट नहीं जीते, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच है कि एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे 23% से ज्यादा, कितने दलों के पास, कितने लोगों के पास। इस मतदाता को, इस वोटर के रुझान को हम खारिज करते हैं, ये उचित है। तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर, लालू जी राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक प्रतीक है भाजपा के विरोध का, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारा दल है किसी भी दल से ज्यादा, क्योंकि बाकी दलों ने प्रताड़ना सहने के बाद आंख बिछौनी की, हमारे नेता ने नहीं की, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने नहीं की। इसलिए हमें पता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। हम अभी भी मानते हैं हम अपनी ओर से कहीं कुछ विध्वंस नहीं, हम सृजन वाले लोग। आपके माध्यम से ये सारी बातें इसलिए भी हमने रख दी कि हमारा ये मानना है कि लड़ाई जीतेंगे, साथ रहें तो जीतेंगे। और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक नहीं है, लड़े तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि हमारी राजनीति स्पष्ट है। मैंने कहा ना, एक विधायक टूटा नहीं भाई, इनको कम प्रलोभन दिया गया, हमारे नेताओं को कम प्रलोभन दिया गया, यहां बैठे हुए लोग प्रलोभन के आगे नहीं। तो ये जो प्रतिबद्धता, ये हमारे राजनीति की विरासत है। अभी हम बार बार ही बात कहते हैं कि हम नाव को डूबने नहीं देते, आखिरी तक कोशिश। नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश में। हम कहीं से छत विचक मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना, और क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, एक व्यापक जनाधार की पार्टी आपको उसके लिए जो संवेदनशील नजरिया चाहिए, चाहे जेएमएम के हमारे साथी या कांग्रेस के हमारे साथी, उस संवेदनशील नजरिए से चीजों को देखिए। हम जैसा मैंने पहले कहा कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे, हम ये नहीं कि पूरा चादर फैला रहे क्या सीट, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14-19, और जहां हाल के दिनों एक एक ट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा, वहां हम आएंगे। और मैं समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हमलों के बीच के भी फैसले होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन प्रोसेस है, तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा। लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे, किसी भी विकल्प के अनुरूप उसके आलोक। आरजेडी को आप अगर जानते हैं तो मूल बात यह है, बीजेपी को हराना है। जो कैंडिडेट हराएगा, चाहे हमारा हो या किसी का हो, हम उसके साथ। कितने सीट का डिमांड करके मैं सबका सवाल जी जी जी, दोनों सवाल आप लोगों के एक जैसे। आप हमसे अंक पूछ, अभी तक मैं अंक बोल चुका, कई दफा बोल चुका, साथ पे हम 3 बार लड़े, एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 में मजबूत हैं, लेकिन अगर ये 12-13 भी होगा तो हमें स्वीकार्य, लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात मुझे खत्म करने दीजिए,
अगर हमसे कहा जाए आप 3 या 4 में लड़िए तो ये तो उसी तरह की बात होगी कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको बहुत गला काट करके खाली में रखें। एक हमारे यहाँ कहावत है बिहार के उत्तर बिहार में, एक बार मंदिर जाकर सबका दुआ कबूल नहीं होता, यानी कि सारी मनोकामनाएं एक। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण आप लोगों को लूप में रखे, कल भी जब एक निर्णय आपको बताया और आपको बता जिस गठबंधन का निर्माण ही आपने किया, जिस गठबंधन का निर्माण आपने किया राष्ट्रीय स्तर पर, आपको याद होगा पटना में पहली बैठक हुई। एक मिनट सर, मनोज जी, इंडिया गठबंधन का निर्माण हमने किया, जिस शिशु का निर्माण हमने किया था उसकी हत्या को हम नहीं करेंगे। पिछली बार आपने 7 सीटों पर लड़ा, क्या इस बार वो नंबर इससे ज्यादा होगा या कम होगा? 12 से नीचे कबूल है या नहीं? आप क्या अगर 12 से नीचे कबूल है उसके बाद मेरा कत्ल कर दीजिए, मैं ये नहीं कहता। मैंने आपको डेटा वाइज बता दिया, 14-19 7 सीट लड़े, और आपको ये बताऊं 7 में एक सीट हमारी अपनी ख्वाहिश नहीं थी, बरकट्टा हमें दिया गया। बरकट्टा को छोड़ के हर जगह हम लोएस्ट मार्जिन में चुनाव हारे। आप सब डेटा देख लीजिए 19 का, आपको पता चल जाएगा। 14 का भी मैंने आपको बताया कि 14 में हम नहीं जीते, सरकार भी नहीं बनी थी, और ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जब हम जीतते हैं तब ही सरकार कुछ चीजें जो आपको मैंने सिलसिलेवार ढंग से बताया। आप सर 12 का नाम फाइनल है क्या? आप एक बात आपको सिलसिलेवार बताया, ये तैयारी हमारी है। कल 11 बजे आपके पास सारी जानकारी सीट वाइज उपलब्ध है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।